साई जन्मभूमि विवाद पर लगातार नई नई बातें सामने आ रही है। सिरडी में आज अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे के बयान से नाराज है लोग। उद्धव ठाकरे ने साई बाबा का जन्म स्थान पाथरी गांव को बताया था। दरअसल साई बाबा की जन्मभूमि को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा परभणी जिले के पास पाथरी को साई बाबा की जन्मभूमि बताने और इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिए जाने की घोषणा की गई थी और यहां के लोग नाराज हैं और इस घोषणा का साई बाबा संस्थान ट्रस्ट और यहां के लोगों ने विरोध करते हुए सिरडी की बेमुदियादी बंद करने की घोषणा कर दी है। लेकिन ये साफ कहा गया है कि मंदिर खुला रहेगा। तो साई जन्मस्थान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज बंद रहेगा सिरडी। साई बाबा के समर्थकों ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मुद्दा साई बाबा के जन्मस्थान को लेकर है और साई समर्थक इसे आस्था का सवाल बताकर लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो वहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोजाना सिरडी पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को पिसना पड़ेगा या आस्था के आगे उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ेगा। दर्शन के लिए तो भगवान का मंदिर खुला है, लेकिन अभी होटल वोटल सब बंद है, तो जो घर से नाश्ता वास्ता लाया वो खा रहे हैं, लेकिन दुकान में नाश्ता वास्ता नहीं मिल रहा है। बाकी सब सेवाएं भी यहाँ पर आज बंद, बाकी सब सेवा सब ठीक ठाक है। अच्छा, मंदिर के लिए दर्शन के लिए सब ठीक ठाक है। बाहर खाने के लिए, बाहर खाना तो सब दुकान बंद है। अभी सारे सिंगापुर जाएंगे, उधर खाएंगे। सिरडी बंद है, इनके चलते हमें होटलों से जो सामान हमें सुबह नाश्ता मिलने वाले थे वो दिक्कत आ रही है। और दूसरा, जैसे आपने उनसे क्वेश्चन किया कि मंदिर को लेके जो चल रहा है, तो मंदिर जो पुराना यहाँ है वो यहीं रहेगा। ओके, जिसने भी कहा है कि कहीं और मंदिर बनेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 150 साल से वो लोग सो रहे थे, क्या आज अचानक से जाग गए हैं? तो जिस तरह मंदिर है वो आगे भी ऐसी रहेगा। नहीं, बंद के चलते तो अभी को जो भी दिक्कत है, अभी जो बाहर से हम लोग खाना पड़ता था वो अभी नहीं खा रहा, जो घर से लाए हैं वही खाए हैं। और नॉर्मल थोड़ी गाड़ी उड़ी की दिक्कतें हैं, लेकिन हम तो अपने प्राइवेट गाड़ी से आए हैं। जो विवाद चल रहा है वो तो कभी चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सालों से मंदिर है, आज तक मतलब वो लोग क्यों सो रहे थे, ये चीज पहले उनको करना चाहिए था। तो लगातार साई जन्मभूमि को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर रोष देखा जा रहा है। साई जन्म स्थान को लेकर विवाद है ये, और आज सिरडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाया गया है।